स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आदेश गुरुकुल में। हम आ चुके हैं अगले वीडियो के लिए, अगली क्लास के लिए। तो आज का टॉपिक जो आपका रहेगा, हमने पिछले चैप्टर्स जो कराए हैं उसको भली बात है अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख ले, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलते हैं, समय को जाया ना करते हुए हम आगे क्लास के लिए चलते हैं आपकी। तो आज का जो चैप्टर आपका रहेगा, हम अजंता को लेके चलेंगे क्योंकि केव्स की हम बात कर रहे थे। केव्स के ऊपर कई सारे वीडियोज बनाए जा चुके हैं आपकी गुफाओं के ऊपर। तो आज का जो आपका चैप्टर रहेगा वो अजंता गुफा रहेगा। भारत का शास्त्रीय काल जो रहता है वो अजंता गुफा माना जाता है। ठीक है, क्लासिकल एज गुप्त काल को माना गया है भारत का, और उसी के अंतर्गत अजंता गुफा काफी महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, तो अजंता गुफा को आज हम थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ेंगे क्योंकि थ्योरिकल सारे लोग पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली लेके चलते हैं और थोड़ा सा मैप की सहायता से पढ़ते हैं। बस आप ध्यान से उसको एक एक पॉइंट देखते चलिएगा, कहाँ पर क्या चीज रही है, कितनी गुफाएं हैं, कैसे, मतलब अजंता इतना ब्रॉड है तो एक वीडियो में वो सारा संभव नहीं है कि सारी चीजें उसकी प्रोवाइड कराई जा सके, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा चीजें जो बेस रहता है आपका वो कंप्लीट कराया जा सके। ठीक है, तो आइए चलते हैं अजंता की तरफ। तो अजंता गुफा, सबसे पहले किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी स्थिति पता होनी चाहिए कि वो है कहाँ पे। ठीक है, तो अजंता गुफा जो रहेगी तो इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो अजंता गुफा जो रहेगी ये आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कहाँ पर है आपकी अजंता गुफा, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। थोड़ा सा अलग ढंग से इसको हम पढ़ते हैं। देखिएगा, ये अजंता गुफा जो स्थित है ये आप सभी को पता है कि किस पहाड़ी पर स्थित है, तो एक बिंद सहयाद जो रेंज आती है उसकी सतपुड़ा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा। और उसका आकार कैसा बताया गया? तो अर्धचंद्राकार, जैसे इस आकार में इस प्रकार से रहेगा तो अर्धचंद्राकार कहलाएगा। हम यहाँ पे बनाएंगे तो क्योंकि हमारा बोर्ड जो है वर्टिकल में है तो वर्टिकल में ही बनेगा, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि हॉरिजॉन्टल की बात हम कर रहे हैं उस तरीके से। तो ये आपकी मान लीजिएगा कौन सी पहाड़ी रहेगी, ये आपकी पहाड़ी जो है कौन सी है, ये आपकी पहाड़ी जो रहेगी ये बिंद सहयाद की, किस पहाड़ी पर स्थित है जनता, तो बिंद सहयाद की सतपुड़ा पर्वतमाला पे रहेगा। किस पे है? तो बिंद सहयाद की सतपुड़ा पर्वतमाला पे, सतपुड़ा पर्वतमाला पे। कि कौन सी पर्वतमाला है? सतपुड़ा। अगर पहाड़ी पूछी जाती है कि अजंता किस पहाड़ी पर स्थित है, तो अजंता आपका सतपुड़ा पर्वतमाला या पहाड़ी पे स्थित है। तो ये जो आपकी पहाड़ी है कौन सी पहाड़ी हो गई, ये सतपुड़ा पहाड़ी हो गई। किस रूप में हो गई? तो अर्धचंद्राकार। सतपुड़ा पहाड़ी किस रूप में है? तो सतपुड़ा पहाड़ी जो रहेगी आपकी अर्धचंद्राकार रूप में रहेगी। ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा पहाड़ी किस रूप में है? अर्धचंद्राकार। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर एक नदी बहती है आपकी, कौन सी नदी रहेगी? ये नदी है आपकी बाघोरा। ये नदी कौन सी रहेगी? बाघोरा है। ये गुफाएं कौन सी हो गई? अजंता गुफाएं हो गई। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा देखिएगा, जब अजंता गुफा को हमने देखा, अजंता गुफाएं रही है, तो इसकी हाइट भी पूछी जा सकती है कि सतपुड़ा जो पर्वतमाला है या सतपुड़ा जो पहाड़ी है ये इसकी हाइट कितनी रही है? तो इसकी हाइट जो रहती है या तो ये 75 मीटर रहेगा, या तो 75 मीटर रहेगा या 250 फीट आएगा। ठीक है, या तो 75 मीटर ऊंचा आएगा या 250 फीट आएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, चाहे 75 मीटर होगा चाहे 250 फीट होगा, उनमें से कोई एक ही विकल्प रहेगा। किस पर्वतमाला पे है? सतपुड़ा पहाड़ी पे रहेगा। किस नदी के किनारे? बाघोरा नदी के किनारे। ठीक है, फिर इसमें देखिएगा, ये अजंता का जब निर्माण हुआ तो यहाँ पर अजंता के निर्माण में कितने राजवंश रहे? तो जब हम राजवंश की बात करते हैं कि अजंता के निर्माण में राजवंश कौन से थे, तो 5 राजवंशों ने कार्य यहाँ पर किया था। और कितने वर्षों में अजंता का निर्माण कराया था? तो लगभग 850 वर्षों में अजंता बनकर तैयार हुआ। कैसे? क्योंकि अजंता का जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो लगभग 200 ईसा पूर्व से पढ़ना शुरू करते हैं, और आते आते लगभग 650, 626, 628 तक हम पढ़ते हैं। तो अगर 200 ईसा पूर्व से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं और वर्तमान में अगर हम बात कर रहे हैं कि 650 या 626 ईस्वी की, ईसा पूर्व का मतलब है कि 1 ईस्वी से पहले के 200 साल। तो 650 में 200 साल ऐड हो जाएंगे, वो बराबर निकल के आपका 850 ही आ जाएगा। तो अजंता कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई थी? तो 5 राजवंशों में बनकर तैयार हुई। और कितने वर्षों में? तो लगभग 850 वर्ष। तो कितने, कौन कौन से राजवंश थे? तो वंशों में यहाँ पर सुंग, सातवाहन, वाकाटक, गुप्त और चालुक्य। गुप्त व चालुक्य ये 5 राजवंश थे जिन्होंने अजंता में कार्य किया और काफी महत्वपूर्ण रहा। तो कौन कौन से राजवंश रहे हैं? तो आपके 5 राजवंश यहाँ पे बताए गए, सुंग, सातवाहन, वाकाटक, गुप्त, चालुक्य। कभी कभी सुंग की जगह पे शक भी लिख के आता है, इतना ध्यान रखिए।
अब पांच राजवंशों ने 850 वर्षों में जनता को बनकर तैयार कर दिया है। अब अजंता की हम बात करते हैं कि अजंता के अंतर्गत क्या चीजें रही हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थिति की बात करेंगे। अभी तो हम महाराष्ट्र के औरंगाबाद ही पढ़े हैं, और भी स्थितियां होंगी। तो यहाँ पर बाघोरा नदी है, यहाँ पर मान लीजिएगा एक गाँव पड़ता है फरदापुर। कौन सा गाँव पड़ता है? ये फरदापुर पड़ता है। तो फरदापुर से अजंता की दूरी कितनी है? ये अजंता की गुफाएं तो सारी अर्धचंद्राकार पहाड़ी पर है, और किस आकार में है? तो घोड़े की नाल के आकार में, क्योंकि गुफाओं का सबका प्रवेश द्वार जो है एक दूसरे के सामने खुलता है। अगर प्रवेश द्वार मान लिया हमने कि एक गुफा है, दो ही गुफा है, तो ये गुफा का प्रवेश द्वार जो बन रहा है ये किस आकार में आ जा रहा है? ये तो घोड़े की नाल का आकार बन जा रहा है ना। तो अजंता की गुफाएं किस स्थिति में है? तो आपकी घोड़े की नाल के आकार में रहेगा, और अजंता की गुफा जिस पहाड़ी पर स्थित है, सतपुड़ा पहाड़ी, उसका आकार कैसा रहेगा? तो अर्धचंद्राकार रहेगा। बिल्कुल क्लियर रखिएगा, अगर पहाड़ी का आकार पूछ रहा है अर्धचंद्राकार, गुफा का आकार पूछ रहा है, तो उसका प्रवेश द्वार जो होता है या गुफा का आकार जो रहता है ये घोड़े की नाल के आकार में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि बाघोरा नदी की, हमने बात की थी बाघोरा नदी के फरदापुर गांव जो स्थित है, यहाँ से अजंता की दूरी कितनी है? तो अजंता की यहाँ से दूरी जो रहेगी 2 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, इसके अलावा एक अजिंठा गाँव पड़ता, मान लीजिएगा ये अजिंठा गाँव हमने मान लिया, सिर्फ एक अनुमान ले लीजिएगा क्योंकि वहां पर किसी ने प्रॉपर रूप से नहीं देखा कि स्थिति क्या रही है। फरदापुर अजंता से कितनी दूर है? 2 किलोमीटर पास में है। अजिंठा गांव कितनी दूर रहेगा? तो अजिंठा की दूरी जो है 7.6 किलोमीटर है, और एक स्टेशन पड़ता है जलगांव स्टेशन। हमने मान लिया कि जलगांव स्टेशन ये रहा है, तो जलगांव स्टेशन से अजंता कितनी दूर रहेगा? तो यहाँ से 61 किलोमीटर है। उसके अलावा अगर एलोरा से हम देखते हैं कि एलोरा से अजंता की दूरी कितनी है, यहाँ पर देखिएगा जब गूगल मैप, तो सारी चीजें गूगल मैप पे उपलब्ध है, तो अजंता से अगर एलोरा की दूरी देखते हैं तो लगभग 102 किलोमीटर 103 किलोमीटर आता है, लेकिन किताबों में 62 मील मिलता है, 62 मील। तो 62 मील को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, यानी कि 1600 मीटर होता है। तो उसको डिवाइड करेंगे तो 99 पॉइंट कुछ आता है, यानी कि हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं कि अजंता से एलोरा की दूरी जो रहेगी वो 100 किलोमीटर रहेगी। कितनी रहेगी? तो अजंता से एलोरा की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि कितनी गुफाएं थी पांच राजवंशों में। तो यहाँ पर जब गुफा संख्या की बात करते हैं कि गुफा संख्या कितनी है, तो अजंता में जो गुफाओं की संख्या रहती है वो संख्या रहती है 30। कि गुफाएं कितनी है, अगर गुफा संख्या की बात करेंगे, गुफा संख्या क्या रहेगी, कितनी गुफाएं हैं, गुफाओं की संख्या की बात करेंगे तो 30। और क्रम की बात करेंगे कि गुफा क्रम क्या रहेगा, तो 1 से 29 तक रहेगा, क्योंकि गुफा संख्या 14 और 15 के बीच में, गुफा 15 के आ के नाम से है जो सबसे बाद में खोजी गई, जिसको भारतीय पुरातत्व विभाग ने खोजा था। तो कौन सी गुफाएं रही हैं? अजंता की सारी गुफाएं पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ रहेंगी, यानी कि हमारे दाहिने हाथ की तरफ पूर्व रहेगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम रहेगा। तो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ बनाई गई है गुफाएं। तो इसके अंतर्गत क्या प्रमुख रहेगा, किस क्रम में गुफाएं? तो देखिएगा सारी गुफाएं इस प्रकार से बनाई गई है, इस तरीके से आपके सबके प्रवेश द्वार एक तरीके आगे पीछे खुलते हैं, इस तरीके से आमने सामने खुलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपकी सारी गुफाएं वहां पे रही होंगी। ठीक है, बस एक बार देख लीजिएगा, सिर्फ एक अनुमान देख लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, 13, 14 और 15 के बीच में एक गुफा आपको बताई गई थी। ये मान लिया 14 है, ये 15 हो गया, तो इसके बीच में एक गुफा जो है 15 आ के नाम से रही है, ये सबसे बाद में खोजी गई गुफा रही है। तो 15 आ हो गया, उसके पश्चात क्या रहता है? तो 15 आ के पश्चात हो गया, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 29। बस क्योंकि कितनी गुफाएं हो गई, तो 29 तक तो क्रम बता दिया गया। ये आपकी एक गुफा ज्यादा हो जा रही, इसलिए संख्या कितनी हो गई? 30। ये गुफाएं हो गई। अब इन गुफाओं का सारा प्रवेश द्वार आपको ये बता दिया गया, तो ये किस आकार में हो गया? अब हर एक गुफा की बनावट जो है आपको पता है कि दूसरे का प्रवेश द्वार सबके आमने सामने खुलता है, इसलिए कैसा आकार हो गया? ये आकार अगर हम लेके चलते हैं तो ये आकार गुफा का कैसा हो गया? तो गुफा का आकार घोड़े की नाल के आकार में है, बल्कि चट्टान या पहाड़ी का जो आकार था वो आपका था अर्धचंद्राकार। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखिएगा कि गुफा की खोज किसकी पहले हुई, कौन सी बाद में हुई, उसको खोज को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद या उससे पहले भी हम गुफाओं में किन किन गुफाओं में चित्र मिले हैं। तो अजंता में वर्तमान में अभी 6 गुफाएं हैं जहां पर चित्र मिलते हैं। चित्र कहाँ कहाँ पर मिले हैं, जो फेमस गुफाएं हैं? 1 तो 9, 10, 16, 17 और 1 व 2, ये गुफाएं हैं, इनमें चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहेंगी। इन गुफाओं में चित्र मिले हुए हैं जो काफी प्रसिद्ध रहती है।
अब इसके अलावा आप देखिएगा और क्या चीजें रहती हैं। जैसे अजंता में हम बात करते हैं कि अजंता की सबसे प्राचीनतम गुफा कौन सी है, तो एक तो होता है चित्रों की दृष्टि, एक होता है बिना चित्रों की दृष्टि। तो अगर बिना चित्रों की दृष्टि से हम देखेंगे तो गुफा संख्या 13 को सबसे प्राचीन कर देंगे, लेकिन चित्रों की दृष्टि से जो सबसे प्राचीनतम गुफा रहेगी वो गुफा संख्या 10 रहेगी। कि सबसे प्राचीन गुफा कौन सी रहेगी, तो गुफा संख्या 10 सबसे प्राचीन गुफा है। उसके अलावा सबसे बड़ा अलंकृत प्रवेश द्वार भी यहाँ पे मिलेगा, सबसे बड़ा द्वार भी यहाँ पर मिला है, ठीक है। प्रवेश द्वार भी यहाँ पर मिलेगा, ये भी प्रमुख रहेगा कि सबसे प्राचीन गुफा तो है ही, उसके अलावा सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी यहाँ पे मिला हुआ है, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर ये तो हमने सबसे प्राचीन की बात कर ली, लेकिन सबसे नवीन गुफा कौन सी जो सबसे बाद में बनाई गई, तो सबसे नवीन गुफा जो रहेगी वो एक नंबर गुफा जो है सबसे नवीन भी रहेगी, सबसे नवीन और शैलोत्कीर्णन की दृष्टि से यानी कि अलंकरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, अलंकरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण। अलंकरण सर्वश्रेष्ठ हुआ है यानी कि शैलोत्कीर्णन अलंकरण या उत्कीर्णन सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे रहेगा। तो एक तो प्राचीन गुफा हो गई, एक नवीनतम गुफा हो गई। अब इसके अलावा अजंता में गुफाओं के दो प्रकार होते हैं, एक तो धर्म के अकॉर्डिंग जो बांटते हैं, तो अजंता पूरी तरीके से किस धर्म को समर्पित है, तो अजंता बौद्ध को समर्पित है, ठीक है, बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म के अंतर्गत आते हैं संप्रदाय, ठीक है। अब किस संप्रदाय के अंतर्गत है, तो एक होता है हीनयान, एक होता है हीनयान और एक होता है महायान। क्या होता है, एक होता है हीनयान, एक महायान। हीनयान क्या होता है, तो हीनयान में बुद्ध के प्रतीकों की पूजा की जाती है और महायान में बुद्ध की आकृतियां बनाई जाती हैं। तो ऐसी कौन सी गुफाएं अजंता में हैं जो हीनयान संप्रदाय की हैं, बाकी की महायान की, ज्यादातर तो महायान ही होंगी क्योंकि बुद्ध की आकृतियां मिली हैं। तो हीनयान की कितनी है, तो 8, 9, 10, 11, 12 और 13, कभी कभी 15 भी आ जाता है, लेकिन आप 6 गुफाएं यार ध्यान रखिए, अगर क्रम कभी आता है 15 भी अगर ऐड कर दिया तो ठीक है, 15 भी सही हो जाएगा। तो ये गुफाएं हीनयान की, बाकी की जो भी गुफाएं बची महायान की, यानी कि इन गुफाओं में कहीं पर भी बुद्ध की आकृति नहीं दिखाई गई होगी। बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं तो जरूर होंगी, जातक होंगी, लेकिन उनकी जो जीवन काल उनका जो वर्तमान है या जो चीजें देखी जाती हैं बुद्ध की आकृति स्पष्ट होती है, वो चीज वहां पर नहीं रहेंगी। तो ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो रहेंगे हीनयान की रहेंगी, बाकी महायान की रहेंगी। ये तो हमने धर्म के अकॉर्डिंग बांट दिया, लेकिन अब बनावट के हिसाब से अगर बांटेंगे तब यहाँ पर हम दो प्रकार बांटेंगे इन गुफाओं में, एक तो बांटते हैं चैत्य और एक बांटते हैं विहार। चैत्य क्या होता है, तो चैत्य होता है पूजा ग्रह, और विहार क्या होता है, तो ये रहने का स्थान होता है जिसको हम संघाराम कहते हैं। तो अजंता की कितनी गुफाएं चैत्य रहेंगी, तो अजंता में 5 गुफाएं चैत्य हैं, कौन कौन सी, तो 9, 10, 19, 26 और 29 ये गुफाएं चैत्य हैं। तो बाकी की बची हुई गुफाएं जो 25 बची गुफाएं हो कौन से संबंधित रहेंगी, तो वो आपकी बिहार रहेंगी। इतना क्लियर हो गया, एक तो धर्म के अकॉर्डिंग हो गया, दूसरा बनावट के हिसाब से हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा चैत्य और बिहार की हमने जब बात की थी, आपको बता दिया गया कितनी चैत्य है कितनी बिहार है, तो आगे हम बात करेंगे चैत्य और बिहार में कि कौन सी सबसे बड़ी चैत्य रहेगी और कौन सी सबसे बड़ी बिहार गुफा रहेगी, उसको भी हम बात करते हैं। ये दूरी और सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, तो आगे इससे आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा जैसे आपसे बताया गया कि चैत्य गुफा सबसे प्राचीनतम कौन है या बिहार गुफा सबसे प्राचीनतम कौन है, तो देखिएगा सबसे प्राचीनतम जैसे चैत्य गुफा या सबसे बड़ी की जब बात करते हैं प्राचीनतम में, तो यही 10 नंबर रहेगा चैत्य में। उसके अलावा सबसे बड़ी चैत्य गुफा कौन सी है, तो सबसे बड़ी चैत्य गुफा जो है गुफा संख्या 29 है, कौन सी रहेगी, सबसे बड़ी चैत्य गुफा कौन सी है, तो सबसे बड़ी चैत्य गुफा गुफा संख्या 29 है। सबसे बड़ी बिहार गुफा जो रहेगी गुफा संख्या 4 रहेगी। सबसे बड़ी बिहार गुफा कौन सी है, तो सबसे बड़ी बिहार गुफा गुफा संख्या 4 रहेगी, ठीक है। सबसे बड़ी चैत्य आपकी रहेगी 29 नंबर, सबसे बड़ी बिहार रहेगी गुफा संख्या 4। तो आपकी सबसे प्राचीन गुफा हो गया चित्रों की दृष्टि से, बिना चित्रों की दृष्टि से 13 नंबर गुफा को सबसे प्राचीन मान लिया जाता है। गुफा संख्या 1 जो रहेगी सबसे अलंकृत भी रहेगी, सबसे नवीन भी रहेगी। अब सबसे ज्यादा चित्र कहाँ पे मिले हैं, तो आपकी गुफा संख्या जो 17 रहेगा, सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इस गुफा को चित्रशाला क्या कहा जाता है, चित्रशाला या राशि चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसी गुफा को क्या कहते हैं, इस गुफा को चित्रशाला या राशि चक्र के नाम से भी जाना जाता है, इतना ध्यान रखिए बस। तो इस गुफा की स्थिति हो गई, विस्तार हो गया। अब इसकी हम सारी बनावट की बात कर ली हमने। 6 गुफाओं में वर्तमान में ज्यादा प्रसिद्ध चित्र रहेंगे और एक गुफा जो है वो अपने मूर्त शिल्पों के लिए फेमस रही है, जैसे गुफा संख्या 26 जो रही है वो अपने मूर्त शिल्पों के लिए फेमस है। और भी गुफाएं हैं जिनमें चित्र मिले हैं, लेकिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं जितना ज्यादा आपकी ये 6 गुफाएं रही हैं, आपकी 1, 2, 9, 10, 16, 17, ठीक है। तो आगे देखिएगा और भी चीजें हैं इसके अलावा।
अब ये सारी चीजें हो गई। अब देखिएगा खोज की बात करेंगे तो अजंता में जो जिस पहाड़ी पर सतपुड़ा पहाड़ी की बात करते हैं वहां पर एक सबसे ऊंचा स्थान है न्यू पॉइंट, कौन सा रहेगा? तो मान लीजिएगा न्यू पॉइंट स्थान ये है, ये सबसे ऊंचा है किस पहाड़ी पे? सतपुड़ा पहाड़ी पे। इस न्यू पॉइंट स्थान पर एक जॉन स्मिथ अंग्रेज रहे हैं, वो निकले यहाँ पर, उन्होंने क्या देखा पहाड़ी पर जब खड़े होकर देखा तो उनको गुफा संख्या 10 का प्रवेश द्वार दिख गया। कब दिखा? तो 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ जो रहे हैं उनको गुफा संख्या 10 का प्रवेश द्वार दिख गया। तो वही समय अजंता की खोज का हो गया कि 1819 ईस्वी में अजंता की खोज हुई, किसने की है? तो एक जॉन स्मिथ जो कि अंग्रेज अधिकारी रहे उन्होंने इसकी खोज की थी, क्योंकि उन्होंने न्यू पॉइंट स्थान से गुफा संख्या 10 के प्रवेश द्वार को देख लिया था, जो काफी महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है? तो उसको ध्यान रखिएगा कि खोज किसने की थी। तो ये खोज की भी बात हो गई, गुफा की भी बात हो गई, और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत खोज जब हुई तो खोज के पश्चात कई सारे लेख भी आए होंगे, कई सारी प्रतिलिपियां भी आई होंगी। तो आगे हम बढ़ते हैं, जैसे किन किन व्यक्तियों ने, शॉर्ट में उसको समझिएगा, अजंता की खोज कब हुई? तो 1819 में जॉन स्मिथ ने खोज कर दी, ठीक है। उसके पश्चात क्या हुआ? तो 1822 में विलियम एरस्किन एक रहे हैं, विलियम एरस्किन, ठीक है, नाम याद रखे, विलियम एरस्कन या एरस्किन कुछ भी लिख के आता है, एरस्किन, इन्होंने बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में अजंता का विवरण दे दिया, ठीक है, प्रमुख रहेगा। उसके अलावा आगे चल करके 1824 में अलेक्जेंडर स्मिथ जो रहे हैं उन्होंने अजंता का विवरण दिया, ठीक है, अलेक्जेंडर स्मिथ ने दिया। उसके अलावा आगे और पहुंचे 1828 ईस्वी में एक रॉल्फ रहे हैं, बहुत फेमस रहेंगे, क्या नाम रहता है उनका, तो एक 1828 ईस्वी में एक रॉल्फ महोदय रहते हैं, कैप्टन रॉल्फ रहते हैं, उन्होंने अजंता का विवरण दिया, वो भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक। किन किन व्यक्तियों ने विवरण दिया था उसकी हम बात करेंगे। एक 1839 ईस्वी में विलियम ब्लैक देंगे, ठीक है, 1839 में विलियम ब्लैक विवरण देंगे, वो भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। उसके अलावा आगे और बढ़ते हैं तो अब हम अजंता में जैसे जेम्स फर्ग्यूसन भी एक रहे हैं, 1843 में उन्होंने भी दिया था, उतना ज्यादा चर्चित नहीं रहेगा, एक तो ये ध्यान रखिए। उसके अलावा आगे आ जाइएगा, एक रहा है प्रतिलिपियों की जब बात आती है, तो अजंता की प्रतिलिपियां कई वर्षों में बनी थी, कभी भी एग्जाम में आएगा एक टाइमिंग सही होगा 1844 सही करना, इधर उधर का भटकने की जरूरत नहीं, अगर भटके, क्योंकि एवरेज नहीं पूछता है, सीधा टाइमिंग पूछता है। तो ध्यान रखिएगा 1844 में अजंता की प्रतिलिपियां सबसे पहले किसने बनाई थी, हम मेन मेन चीजों की बात कर रहे हैं। तो प्रतिलिपियां हुई, ये खोज की हमने बात कर ली, लेख बीच में तो लेख रहे हैं सारे, प्रतिलिपियां कब बनी, 1844 ईस्वी में प्रतिलिपियां किसने बनाई थी, तो रॉबर्ट गिल ने बनाई थी, 30 प्रतिलिपियां बनाई थी, ठीक है, जिनमें से 25 प्रतिलिपियां या 30 प्रतिलिपियां थी टोटल, जिनमें से 25 प्रतिलिपियां क्रिस्टल पैलेस में जो आग लगी थी उसमें नष्ट हो गई थी, 5 प्रतिलिपियां बची थी। उसके पश्चात ये तो प्रतिलिपियां जो बनाई थी सबसे पहले बनाई थी, लेकिन भारतीय कलाकारों ने प्रतिलिपियां कब बनाई है, तो 1911 ईस्वी में लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में, लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में भारतीय कलाकारों ने प्रतिलिपियां बनाई, भारतीय कलाकारों ने प्रतिलिपियां बनाई थी, कब बनाई थी, 1911 ईस्वी में, ठीक है। इन प्रतिलिपियों को अजंता फ्रेस्कोज नाम से प्रकाशित भी कराया, वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो अब अजंता के खोज से संबंधित आता है, या तो प्रतिलिपियों से संबंधित सारी चीजें हो गई। अजंता को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, तो 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया, ठीक है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया है, विश्व धरोहर घोषित किया है इसको, ये भी ध्यान रखिएगा कि अजंता को विश्व धरोहर कब घोषित किया है यूनेस्को ने, तो 1983 ईस्वी में अजंता को विश्व धरोहर सूची में घोषित किया गया है या शामिल किया गया है। उस वर्ष चार जगह सम्मिलित की गई थी, जैसे आपका अजंता है, आपका आगरा का किला रहेगा, ताजमहल रहेगा, उसके अलावा एलोरा रहेगा, इन गुफाओं को और स्थानों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। उसके आगे जब पढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि अजंता में शैलियां कितनी रहेंगी चित्रों की। तो अजंता में जब हम चित्रों की शैलियों की बात करते हैं, शैलियों की बात करेंगे कि अजंता में कितनी शैलियां या चित्र शैलियां रहती हैं, शैलियां या चित्र शैलियां की जब बात करेंगे तो वो तीन रहेंगी। कौन कौन सी, नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि कई लोग बौद्ध धर्म की शैलियों में और अजंता की शैलियों में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अजंता में शैलियां कितनी रहेंगी, तो यहाँ पर तीन शैलियां कौन कौन सी, तो एक आपकी अलंकारिक रहेगी, एक आपकी रूप वैदिक रहेगी, और एक आपकी वर्णनात्मक रहेगी। ये क्या है, तो ये अजंता की चाहे शैलियां करके आए चाहे चित्र शैलियां आए, लेकिन अजंता में बौद्ध धर्म की कौन सी शैली देखी जाएगी, तो बौद्ध धर्म की अगर हम शैली की बात करेंगे अजंता में अगर हम बौद्ध धर्म की शैली की बात करते हैं, तो अजंता में बौद्ध धर्म की कौन सी शैली देखी जाएगी, तो यहाँ पर सबसे पहले जो शैली रहती है देव शैली। तो एक ही शैली अगर बौद्ध धर्म की शैली की बात करेंगे तो देव शैली जो रहेगी अजंता में बौद्ध धर्म की वो देखी जाएगी। उसके अलावा
अजंता में रेखा शैलियां कितनी पाई जाती हैं? अब रेखा शैलियों की जब हम बात करते हैं तो अजंता में टोटल 20 रेखा शैलियां पाई जाती हैं। कितनी? 20 रेखा शैलियां। यानी कि अजंता में शैलियां कितनी है, चित्र शैलियां कितनी है? 3 अलंकारिक रूप भैदिक वर्णात्मक। अजंता में बौद्ध धर्म की कौन सी शैली देखी जाती है? देव शैली। अजंता में कितनी शैलियां हैं? 20 शैलियां। रेखा शैलियां रहेंगी तो 20 शैलियां। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं कि अजंता का भित्त, क्योंकि भित्त चित्रण विधान यहाँ पर रहेगा, तो अजंता का भित्त चित्रण विधान कैसा है? तो अजंता का भित्त चित्रण विधान, उसको जरा समझ लीजिएगा, कई सारे क्वेश्चन इसके सही होते हैं। तो अजंता के भित्त चित्रण विधान में बिल्कुल सही जो रहेगा फ्रेस्को सेस्को रहेगा। फ्रेस्को सेस्को क्या रहेगा? फ्रेस्को सेस्को। अगर फ्रेस्को सेस्को नहीं है तो टेम्परा सही होगा। अगर टेम्परा और फ्रेस्को सेस्को दोनों है लेकिन साथ में मिश्रित विधि सही आ गया, अगर क्वेश्चन कोई मिश्रित विधि, तो वो सही मान लिया जाएगा। तीनों सही है, इसमें गलत कोई नहीं कहा जा सकता। सबसे ज्यादा जब तक मिश्रित विधि रहेगा वो सही होगा, लेकिन अगर मिश्रित विधि नहीं है तो टेम्परा फ्रेस्को सेस्को और टेम्परा अगर है तो फ्रेस्को सेस्को सही होगा। जब वो भी ना हो और मिश्रित विधि ना हो तब टेम्परा माना जाएगा, ठीक है। जब तक मिश्रित विधि है सही होगा, नहीं है तो फ्रेस्को सेस्को बिल्कुल सही है। अब ये दोनों नहीं है तब टेम्परा सही होगा, वैसे टेम्परा सही नहीं होगा। सबसे मिश्रित विधि मुख्य रहेगा, वो भी नहीं है तो फ्रेस्को सेस्को, और फ्रेस्को सेस्को रहेगा तभी सही होगा। अगर केवल फ्रेस्को होगा तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि केवल फ्रेस्को का मतलब होता है गीली भित्ति, बल्कि यहाँ पर सूखी भित्ति रही है, तो उसको भी ध्यान रखिए। अब अजंता का भित्ति चित्रण विधान जब हो जाता है तो उसके पश्चात जब हम बात करते हैं तो अजंता की गुफाओं की बात करते हैं। जो प्रमुख गुफाएं रही हैं जिनमें चित्र वगैरह मिले हुए हैं कुछ प्रमुख, तो उन गुफाओं की बात करते हैं। जैसे हमने बात की कि गुफा संख्या 9 आपकी जो रही है, 10 गुफा रही है, तो गुफा संख्या 10 जो रही है वो किससे संबंधित रहेगी या कौन कौन से चित्र रहेंगे? तो यहाँ पर प्रमुख चित्रों की बात करेंगे। देखिए गुफा संख्या 10 है, गुफा संख्या 9 है, ठीक है, जो मेन मेन चित्र है उनके, गुफा संख्या 16 है, गुफा संख्या 16 है, गुफा संख्या 17 है, जो मुख्य चित्र रहे हैं जो अधिकतर बेसिक रूप से पूछे जाते हैं, गुफा संख्या 2 है, गुफा संख्या 2 रहेगी, गुफा संख्या 1 रहेगा, इन 6 गुफाओं में आपका मिला। उसके अलावा एक गुफा संख्या 26 भी रहता है, उसके भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक, उसको भी देख लीजिएगा क्या रहता है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो इसको देखिएगा। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं आपका गुफा संख्या 10 जो रही है उसके अंतर्गत क्या रहा है, तो एक चित्र रहा है इसके अंतर्गत छदंत जातक। छदंत जातक रहता है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, छदंत जातक रहता है। उसके अलावा एक रहता है सोम जातक, सोम जातक, छदंत जातक है, सोम जातक है। उसके अलावा एक रहता है राजकीय शोभा यात्रा, क्या रहता है? राजकीय शोभा यात्रा, उसी को कहते हैं बौद्ध धर्म की उपासना है तो राजा का जुलूस। तीनों कथाएं ध्यान रखिएगा, सबसे पहले छदंत जातक, सोम जातक और राजकीय शोभा यात्रा, या उसी को हम कहते हैं बौद्ध धर्म की उपासना है तो राजा का जुलूस। नेक्स्ट गुफा संख्या 9 में कौन सा रहता है? तो यहाँ पर स्तूप पूजा, स्तूप पूजा, और उसके अलावा आसीन नारी, दो चित्र बहुत फेमस रहेंगे, एक तो स्तूप पूजा, दूसरा आसीन नारी फेमस रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर ठोस हर्मिका वाला स्तूप भी मिला है, 3 छतरियों वाला स्तूप जो रहा है वो भी काफी महत्वपूर्ण, और भी कई सारे चित्र यहाँ पर रहेंगे, लेकिन मुख्य आपका स्तूप पूजा और आसीन नारी रहेगा। गुफा संख्या 16 का सबसे प्रमुख चित्र जो रहेगा मरणासन्न राजकुमारी रहेगा, जो भाव दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण रहा है मरणासन्न राजकुमारी, क्योंकि इस मरणासन्न राजकुमारी के विषय में गिरफित महोदय ने कहा था कि फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता है, वेनिस का चित्रकार इससे अच्छा रंगांकन कर सकता है, परंतु इससे अच्छे भाव प्रदर्शित कोई नहीं कर सकता, मतलब ये भावों के लिए फेमस था चित्र बहुत ज्यादा, तो मरणासन्न राजकुमारी होगा। इसके अलावा एक प्रतिमा भी यहाँ पर मिली है, नागराज की सिंहासनारूढ़ प्रतिमा, नागराज की सिंहासनारूढ़ प्रतिमा भी यहाँ पर मिली है, जो काफी महत्वपूर्ण रहेगी। उसके अलावा गुफा संख्या 17 जो रही, यहाँ पर एक चित्र रहा है माता पुत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी माता पुत्र को राहु समर्पण भी कहा जाता है, राहु समर्पण, इसी को यशोधरा की भिक्षा या भिक्षुक युद्ध किसी भी नाम से पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि प्रभाविता की दृष्टि से प्रभाविता का नियम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ये रहेगा। उसके अलावा गुफा संख्या 2 में कौन सा चित्र रहता है? तो यहाँ पर एक रहता है जिसे बात करते हैं, तो दो बाएं अंगूठे वाली रमणी, दो बाएं अंगूठे वाली रमणी, अंगूठे वाली रमणी, दो बाएं अंगूठे वाली रमणी। उसके अलावा जैसे हम बात करते हैं त्रसित मृग एक रहता है, त्रसित मृग, या उसके अलावा सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, ये सब जातक रहे हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित रहे हैं। उसके अलावा गुफा संख्या 1 के अंतर्गत तो बहुत सारे चित्र वगैरह मिले हुए हैं, जैसे एक तो आपका रहता है पद्म पाणि बोधिसत्व, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, पद्म पाणि बोधिसत्व आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, काफी चर्चित रहेगा। उसके अलावा मार विजय काफी महत्वपूर्ण रहेगा, मार विजय के अलावा काली राजकुमारी, काली राजकुमारी, और भी कई सारे चित्र हैं काली राजकुमारी के अलावा, जैसे जाते हैं
और भी चीटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, राजा पुलकेशन से संबंधित चित्र रहेंगे और भी कई प्रकार के चित्र यहाँ पर रहेंगे, जैसे आपका मार विजय हो गया, पद्म पाणि बोधिसत्व हो गया, बैलों की लड़ाई हो गया जो इस बार नवोदय में पूछा गया है कौन सा रहेगा, तो बैलों की लड़ाई यहाँ पर रौद्ररस का प्रयोग किया गया है बैलों की लड़ाई में और मार विजय में। मुख्य चित्रों की हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा गुफा संख्या 26 में दो मूर्ति शिल्प रहे हैं, एक तो मार विजय शिल्प जो रहेगा, मार विजय ये भी रहा है लेकिन ये शिल्प है, मूर्ति शिल्प है, ये क्या है चित्र है, तो चित्र गुफा संख्या 1 में, शिल्प गुफा संख्या 26 में। उसके अलावा और आगे बात करते हैं तो महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण यानी कि महापरिनिर्वाण बुद्धको गुफा संख्या 26 में, ये भी शिल्प रहेगा, तो क्या कहाँ रहेगा, तो ये आपका गुफा संख्या 26 में रहेगा, ठीक है ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित रहेगा, तो गुफा संख्या 26 में ये भी रहेगा महापरिनिर्वाण। इसमें बुद्ध, अगर कभी बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिखाना होता है तो बुद्ध को दाहिनी कर्मठ दिखाया जाता है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसके अंदर देखिएगा, ये कुछ प्रमुख चित्र है, कुछ अजंता की शॉर्ट डिटेल हमने आपको कराई, सारी चीजों को आप बेसिक रूप से पढ़ सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा है, बाकी आगे की वीडियोस के लिए आपको प्रोसेस बताया जाता रहेगा और दिया जाता रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, काफी बच्चों का कहना था कि नया बैच शुरू किया जाए, जो हमारी ऑफलाइन जो क्लासेस चलती थी वो तो चलो फिलहाल अभी कोविड के चलते आपकी बंद हो गई है, लेकिन उन्हीं को ऑनलाइन किया जा रहा है और किया गया है, और भी कई आपकी ऑनलाइन वीडियो क्लासेस चल भी रही हैं, लेकिन नया ऑनलाइन बैच आपका स्पेशली UPTGT, स्पेशली बात हो रही UPTGT, PGT और DSSB, क्योंकि DSSB का पेपर अभी तो होने वाला था लेकिन अब काफी समय मिल जाएगा, क्योंकि कोविड के चलते अभी एग्जाम 2 से 3 महीने तक तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, तो काफी समय में मिल जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई इच्छुक, देखिए कोई जबरदस्ती नहीं है, और काफी लोग ऐसा भी कहते हैं कि महामारी के चलते और भी कई सारी चीजें हैं, तो किसी को जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है, बहुत सारे इच्छुक व्यक्ति नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब का मामला है, तो अगर कोई इच्छुक है तभी पढ़े, कोई जबरदस्ती की शिक्षा नहीं की जा रही, कोई शिक्षा ये भी जबरदस्ती नहीं की जा रही कि आप हमारा चैनल देखें, चैनल हमने अपना प्रमोशन करने के लिए नहीं बनाया है, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो नहीं ज्वाइन कर सकते उनके लिए बना हुआ, कोई मेरा बेनिफिट इससे नहीं है, लेकिन मैं समय दे रहा हूं तो इतना तो मुझे पता है, लेकिन ये समय समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं उसको दूर तो नहीं किया जा सकता लेकिन उसको कम तो किया जा सकता है, तो किसी को जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है कि वो पेड क्लासेस हमारी ज्वाइन करें, कोई जरूरत नहीं ज्वाइन करने की, आपको पढ़ना है आप ज्वाइन करेंगे, कि हमारे पास नहीं ज्वाइन करेंगे किसी के पास ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे क्लासेस चलती, किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जा रहा है, अगर कोई चाहे ज्वाइन करना तो ज्वाइन करे, उसको कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक। बाकी नेगेटिव कमेंट्स करना तो बंद कर देना बिल्कुल भी, क्योंकि हम बता रहे हैं कि मेरा कोई बेनिफिट इससे नहीं है, अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिसको भी ज्वाइन करना हो, क्योंकि अगर ज्वाइन करेंगे तो हम अभी भी अपना पूरा 100% दे रहे हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई हमारा ये नहीं कि हाथी के दांत खाने वाले और दिखाने वाले हो, लोग करते होंगे लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल भी आना नहीं है। तो TGT, PGT और DSSB की आपकी स्पेशल क्लास है, मॉर्निंग में 6:30 से 8 बजे तक की क्लास होगी, 1.5 घंटे की लाइव क्लास होगी, PDF नोट्स वगैरह जो भी आपका होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया जाएगा, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 8601083807, ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, कॉलिंग, व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों नंबर रहेगा। 25 अप्रैल से मॉर्निंग में 6:30 से आपकी क्लास होगी, अगर कोई व्यक्ति इच्छुक हो तो ज्वाइन कर सकता है, स्पेशली UPTGT, PGT और DSSB, ठीक, इसके लिए हम क्लासेस को अवेलेबल, क्योंकि बाकी क्लासेस हमारी चल रही पहले से, और शायद मेरे जीवन का अगर कहें तो ये मीट का तो लास्ट होगा ग्रुप या बैच, क्योंकि इसके बाद शायद हम ना पढ़ा पाए या और भी चीजें, बाकी हम यूट्यूब से तो जुड़े ही रहेंगे, यूट्यूब पे हमें कोई नहीं रोक सकता, और आने वाले समय में यूट्यूब पे और भी क्लासेस आपकी और तेजी से चलेंगी, और कई सारे सेशन हमारे पड़े हुए हैं, अगर किसी ने चैनल को नहीं देखा है तो देख ले, बाकी अगर किसी को कोई इच्छुक है ज्वाइन करने का तो कर सकता है, बाकी आपके बेस्ट फ्यूचर की कामना करते हैं, और जल्दी कोविड में स्वस्थ रहिए और घर पे रह के तैयारी करिए, अगर किसी को कोई समस्या होती है तो कांटेक्ट कर सकता है, तो बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना समय आप सभी दे रहे हैं, थैंक यू।